पटाखों की रोशनी से रोशन हुआ आसमान। कोई कर रहा है आतिशबाजी तो कोई ले रहा है आतिशबाजी का मजा। तस्वीरें ताइवान के शहर यानसुई की हैं, जहां कोरोना वायरस से जुड़ी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए लोगों ने बिहाई फायरवर्क्स फेस्टिवल को मनाया। ल्यूनर न्यू ईयर के अंतिम दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग आतिशबाजी के अलावा एक दूसरे के घरों में जाकर उन्हें बधाइयां देते हैं। त्योहार के दौरान होने वाली जबरदस्त आतिशबाजी के चलते यहां लोग हेलमेट पहनकर पटाखे फोड़ते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटाखों से खुद को घायल होने से बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग हेलमेट पहनकर आतिशबाजी का मजा ले रहे हैं। हर साल इसे बड़े ही शानदार तरीके से ताइवान में मनाया जाता रहा है, मगर इस बार कोरोना की वजह से इस फेस्टिवल की चमक थोड़ी फीकी रही। कुछ दिनों पहले तक यहाँ की सरकार ने इसे मनाने पर पाबंदी लगा रखी थी, मगर कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस त्योहार को कुछ शर्तों के साथ मनाने की परमिशन दे दी। बिहाई फेस्टिवल की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हुई थी। उस त्योहार को उस समय कॉलरा जैसी महामारी पर विजय के तौर पर मनाया गया था। यहाँ के लोगों की माने तो इस त्योहार को मनाने से संकट की घड़ी में ईश्वर उनकी मदद करते हैं।